उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद में सोमवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ एक युवक का शव बरामद किया गया। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए और लाश के पास शराब की कई बोतलें भी बरामद की गईं। ये घटना थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के शेखरपुर के पास की है। खून से लथपथ शव पड़े होने की सूचना आसपास के क्षेत्र में जंगल के आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान कोतवाली देहात बलरामपुर के हरिहरगंज निवासी युवक के रूप में हुई है। ये एक संदीप उपाध्याय है, उम्र 24 वर्ष। इनकी सुबह यहाँ पे शेखरपुर जाने रास्ते पे सड़क के किनारे एक गाड़ी मिली है, वहाँ शराब भी है। सौ को पुलिस आ चुकी है, पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु एक गाड़ी भेजा गया है। सीओ सिटी बृजनंदन राय ने बताया कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के शव की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ही हत्या की वजह उजागर हो पाएगी। संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ शव मिलने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे हत्या का मामला मान रहे हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और क्षेत्र में हड़कंप के बीच अटकलों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, बलरामपुर।